70 के दशक के फिल्म जगत के काफी ऐसे नाम हैं जो उस समय प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। उन्हीं में से एक नाम फिल्म अभिनेत्री रंजीता का है। रंजीता का पूरा नाम रंजीता कौर है, मगर वो फिल्मी दुनिया में रंजीता के नाम से ही जानी जाती हैं। रंजीता की फिल्में थोड़ा लीक से हट कर रही, इसीलिए रंजीता की छवि बाकी कलाकारों से मुख्तलिफ रही। अभिनेत्री रंजीता का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। रंजीता ने लैला मजनू और अखियों के झरोकों से जैसी लगभग 35 फिल्मों में काम किया। कहते हैं वक्त कब बदल जाए किसी को नहीं मालूम, ऐसा ही हुआ रंजीता के साथ। धीरे धीरे रंजीता का करियर ढलने लगा और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। रंजीता ने 15 साल बाद दोबारा फिल्मों में किस्मत आजमाई और उन्होंने 2005 में फिल्म अनजाने से इंडस्ट्री में फिर से कदम रखा। इसके अलावा उन्होंने 2008 में जिंदगी तेरे नाम में काम किया, हालांकि ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। अगर देखा जाए तो रंजीता का फिल्मी करियर कुल मिलाकर अच्छा रहा। रंजीता ने साल 1976 में ऋषि कपूर के साथ लैला मजनू से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। उसके बाद संजीव कुमार के पति पत्नी और वो सचिन के साथ अखियों के झरोकों से, मगर रंजीता की हिट जोड़ी सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के साथ रही, या यूं कहें तो सही रहेगा कि रंजीता ने सबसे ज्यादा काम मिथुन के साथ किया। फिल्म तराना, सुरक्षा, आदत से मजबूर और गुनाहों का देवता फिल्मों में रंजीता ने अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा और अमोल पालेकर जैसे सभी अभिनेताओं के साथ काम किया। मगर अब रंजीता फिल्म जगत से बहुत दूर अमेरिका के शहर वर्जीनिया में अपने परिवार के साथ रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप और किन सेलिब्रिटीज या टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद करेंगे।